जी एम आई ऑडिबल? यस सर। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विकास नवाज। और मैं जो सब इंस्पेक्टर का हमारा और एएसआई का एफआईए के लिए जो हमारा सेशन चल रहा है या जो बच्चे नए आ रहे हैं या ओवरऑल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर हमने ये सेशन जो है ये अरेंज किया ताकि आपके जो क्वेश्चंस एफआईए के रिलेटेड हैं जो उस इदारे के मुतालिक हैं वो आपको वही जो गाइडेंस है वो लोग दें जो उस इदारे का हिस्सा है और वो उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं। तो जाहिद हुसैन साहब हैं हमारे साथ, ठीक है, और ये माशाल्लाह एफआईए के अंदर हैं, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी अपना सॉरी जीसी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से इन्होंने पोलिटिकल साइंस में अपनी जो है वो डिग्री की हुई है, मास्टर्स किया हुआ, और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान है, ठीक है, वो इनके पास है माशाल्लाह। ये एक अच्छा जो है अपना सिलसिला चला रहे हैं। तो मैं जाहिद साहब को रिक्वेस्ट करूँ कि वो बच्चों के साथ जो है वो पहले आप अपनी गुफ्तगू कर लें कि जो एफ आई ए के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, और फिर बाद में हम जी क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में करेंगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट, आपने साथ साथ अपनी जो है जो क्वेश्चन है वो हमें सेंड करते रहना है उसमें जो है क्या कहते हैं चैट बॉक्स में, बल्कि शायद वो बल्कि उसके लिए आप वेट करेंगे, वो फिर जब बात गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप लोगों से माइक ओपन करने की सहूलत जो वो हम कर लेंगे। जी जाहिद साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जिस तरह सर ने कहा कि पहले हम लोग मतलब कि एफआई के जो इंटरव्यू उसके बारे में मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद जनरल जो टिप्स होती हैं फॉर इंटरव्यू किसी भी एफपीएससी के हो गया या कोई और पीएमएस हो गया कोई भी है उसके बारे में मैं आप बता दूंगा। लास्ट में कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो माइंड में फिर आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर हम एफआई का मतलब ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू डालें कि इंटरव्यू किस तरह होता है, तो कुछ चीज़ें हैं वो आप तैयार कर लें। सबसे पहले आप करंट अफेयर तैयार कर लें, जितने मेजर इश्यूज हो रहे होते हैं अगर देखें तो पिछले 2-3 माह की मतलब तैयार कर लें मोस्टली कोई भी चीज़ें हैं। इंटरव्यू आपका कब कंडक्ट हो रहा है उस हिसाब से अपने जो हैं करंट अफेयर्स जो करीब हैं 2-3 माह के वो मतलब ज़्यादा तैयार कर लें, और मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर में वो तैयार कर लें। उसके लिए फिर आप पाक एम सी क्यू वेबसाइट है बहुत अच्छी है, उसके अलावा प्लेनेट एम सी क्यू की वेबसाइट है वो भी बहुत अच्छी है, डॉन न्यूज़ पेपर है, कोई और न्यूज़ पेपर हो गई, बी बी सी जो सरबीन है उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, या रात की जो 9 बजे न्यूज़ है जियो वगैरह उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को जो जीके है ओवरऑल वर्ल्ड जीके वो भी आप लोगों को तैयार करना चाहिए एफआईए के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो हमारी पोस्ट एक थी और हम लोग आखिरी फाइनल में 8 लड़के थे, मुझसे जो ऊपर जो जिनका स्कोर था रिटर्न में मेरे ख्याल में 4-5 लड़के थे, उसके बाद मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन अलहमदिल्ला उस सीट पर मुझे ही मतलब सेलेक्ट किया गया। तो उसमें कुछ चीज़ें थी वही मैं आपको बताता चलूँ। एक जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वेल प्रिपेयर होके जाएं, अच्छी से ड्रेस पहन के जाएं, 3 पीस हो गया 2 पीस हो गया इस तरह, ठीक है, नहीं मतलब उसको लगे कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, आप मतलब सीरियस हो इस पोस्ट के लिए। ये मैटर करता है, 5-6 मार्क्स का लेवरेज ज़रूर देता है हर किसी को, इसलिए जब भी किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ तो अच्छी और वेल यूनिफॉर्म पहन के जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बी पी एस सी की बात करें इधर बलोचिस्तान में, तो यहाँ पे 2-3 पीस नहीं चलती है, यहाँ पे जो है कौमी लिबास जो है वही चलती है। तो जिस मतलब एग्ज़ाम में जो चीज़ चलती है इंटरव्यू में आप वही चीज़ मतलब उसी को वो करें रेफरेंस दें। इसी तरह एस पी एस सी में या एफ आई ए में हमेशा 3 पीस या 2 पीस ही को प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो एक अफसर होता है जो एक बेहतरीन पाकिस्तान की जो एजेंसी उसको लीड कर रहा होता है। तो मेरे बताने का तरीका बताने की जो बातें थी 2 चीज़ें, इसमें से करंट अफेयर आप लोग तैयार कर लें कहीं से भी कर लें, देयर आर मेनी वेबसाइट्स आप कहीं से कर लें, और दूसरा क्या है वर्ल्ड जीके हो गया
फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा पूछा था कि सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, हिमालय कौन सा है, पैसिफिक के बारे में पूछा था, इस तरह हिमालय रिवर कौन सा है और जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इस तरह ये सारी चीजें मतलब पूछते हैं। ये चीजें आप हम वैसे भी तैयार कर लाइफ में ना, और एग्जाम में भी या और इंटरव्यू जो भी है वहाँ पे भी आप लोगों को ये चीजें काम देगी। एक बात तैयार कर लें, करंट ये जो जीके है वो चेंज नहीं होती, जो वर्ल्ड जीके है भाई करंट अफेयर है वो चेंज होता रहता है, वो आप जो करंट 2-3 माह की वो तैयारी कर लें, मैंने आपको बता दी वेबसाइट और भी काफ़ी है जो उनसे कर लें। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि किसी भी FPSC के किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में अगर आप लोग रिटर्न क्लियर है, इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हो, उसके जो जिस जॉब के लिए जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसके बारे में आप लोगों को मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों का जो है रिटर्न क्लियर है तो आप लोगों का मतलब वाइवा रहता है, तो आप देखिए ये FIA के मतलब लेके, तो आप FIA की तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी पैरामाउंट चीज़ें हैं, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको वहाँ पे मतलब और उनके इस पर आपको ज़्यादा मतलब वो लेवरेज मिल जाएगा, ये बंद से पढ़ा है ये सीरियस है। उसके FIA के बारे में बाद में आप लोगों को बताता हूँ, पर ये बताऊँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ब्रॉडली कवर करनी चाहिए। और जो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये कि आपकी जो मतलब जो आपकी डिग्रीज हैं या जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा था मेजर जो पॉलिटिकल साइंस, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा था कि जो कौन सा आर्टिकल जो है पाकिस्तान का वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिस तरह 25 है। इसके अलावा फिर ग्रीक स्टडी के बारे में पूछा था, मतलब मैं बताने का मकसद ये है जिसका जो मेजर सब्जेक्ट है, वैसे तो ओवरऑल मैट्रिक के बाद जो भी आपकी डिग्रीज हैं उसके बारे में थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी लास्ट डिग्री है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें चीज़ों को, मतलब जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, किसी का केमिस्ट्री मेजर है, किसी का हिस्ट्री मेजर है, तो अपने उस मेजर को सब्जेक्ट को पढ़ लें। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस था मैंने काफ़ी उसकी तैयारी की थी, उसने मुझे काफ़ी मतलब उससे मुझसे अपने 10-12 क्वेश्चन पूछे थे, इस तरह मुझसे FIA के मुतालिक डिपार्टमेंट के मुतालिक 10-15 क्वेश्चन वो पूछे थे, करंट अफेयर के पूछे थे 5-6, और GK के भी तकरीबन 7-8 पूछे थे। तो मेरे कलम सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, एक दो के अलावा सारे सही हो गए थे, तो इस वजह से मतलब कि मेरी वो अलहमदिल्ला मतलब इसमें अपॉइंटमेंट हो गई थी। और दूसरा ये कि अगर मैं अभी FIA के मुतालिक आऊँगा कि FIA की वर्किंग क्या होती है, FIA की जो जो भी है तो वो आपको बता चलूँ। FIA जो है एक फेडरल इदारा है, जिस तरह एक प्रोविंशियल पुलिस होती है, ये भी इस तरह की एक पुलिस है जो फेडरल के बिहाफ पे काम करती है, और इसके पावर्स वही हैं जो फेडरल के पास जितने भी पावर्स हैं, और अभी दो हैं, पहले जो 18वीं कानून से पहले 3 थे पावर्स डिवाइड, फेडरल पावर और मतलब लिस्ट की, फिर आपकी जो थी कंकरेंट थी, फिर प्रोविंशियल लिस्ट को तो खत्म कर दिया गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट, अभी दो ही हैं, एक फेडरल और दूसरा प्रोविंशियल। तो आप देखें जो फेडरल में जितने भी फेडरल के पास पावर्स हैं वो सारे देख लें, या वैसे ही कर लें कि भाई जो फेडरल जितने भी पावर्स हैं वही FIA बस पावर है उन चीज़ों पे, उन चीज़ों मतलब उन डोमेन में वो काम कर सकती है। FIA का अगर देखा जाए तो इसका पहले FIA तो ये 1974 में बनाई गई थी, इसके पहले थी पाकिस्तान स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट पुलिस, विच वाज एस्टेब्लिश इन 1949। उसका पर्पज़ ही था कि करप्शन को कैसे रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद इसका जो स्कोप है वो बाद में बड़ा, जब 1974 में एक्ट बनाया गया, और ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने मतलब उसका नाम, जो पहले ऑलरेडी मैंने बताया कि पाकिस्तान स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट पुलिस है, उसका नाम रीनेम करके FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रख दिया। तो आप ये कह सकते हो, वहाँ से पूछेंगे कि भाई FIA का पहले नाम क्या था, बाद मतलब FIA से पहले उसका नाम क्या था, वो आप फिर यही है पाकिस्तान स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट पुलिस है, ये 1947 में जैसे मैंने बताया। तो ये जो एक्ट है ये प्रोमलगेट या इम्प्लीमेंट होता है 13 जनवरी 1975 में, ये जो है
ये नंबर जो है या जो फिगर्स ही आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछेंगे जरूर, मुझसे भी पूछा था। उसके अलावा 2002 का एक एक्ट है जिसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मुतलिक है, वो भी आप देख लें। ये दो इन्हीं में से पूछते हैं। 1974 PDF में पड़ा हुआ है गूगल में, और वो जो है 2002 में जो है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स वगैरह FI के मुतलिक, वो भी गूगल में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर FIA की बात करें कि FIA किसकी अंडर काम करती है, ये फेडरल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसके काम करती है, उसके अंडर काम करती है। जिससे हमारा आजकल जो करंट इंटीरियर मिनिस्टर है वो शेख रशीद साहब हैं, वो मतलब लीड कर रहे होते हैं। उसके अगर उसके नीचे जो पोस्ट है वो सेक्रेटरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी है इंटीरियर का, वो इसको लीड कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर FIA का जो हेड होता है वो DG होता है, वो 22वें ग्रेड का अफसर होता है। जैसे पुलिस में IG होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, इसी तरह हमारा डायरेक्टर जनरल FIA होता है, जिसे शॉर्ट DG कहते हैं। और आप लोग उसे यही पूछेंगे व्हाट डज स्टैंड फॉर DG, तो आप लोग ये चीज़ याद कर ले, डायरेक्टर जनरल फॉर मोस्टली 22वें ग्रेड का होता है। और ये भी है कि हमेशा जो DG होता है वो इस ग्रुप का कोई पुलिस अफसर मतलब लगा देते हैं सब। अभी जो करंट हमारा DG है वो सनाउल्लाह वाजिद साहब हैं, उससे पहले वाजिद जहाँ साहब थे, उससे पहले बशीर मेमन साहब थे। तो ये मेरे ख्याल में 40 नंबर पे हैं सनाउल्लाह वाजिद साहब, से पहले ये आया मतलब XIG AP के रह चुका है। इसी तरह ये चीज़ें मतलब आपसे पूछेंगे। मुझसे पूछा था उस टाइम वाजिद जहाँ साहब थे, उन लोगों ने पूछा करंट DG कौन है, मैंने वो बताया। उन्होंने कहा उससे पहले जो आपका DG था वो कौन था, मतलब FIA का, वो मैंने उनको बताया। इस चीज़ें मतलब आपको ओवरऑल क्या करनी चाहिए। अगर हम हेरार्की की बात करें टॉप पोस्ट जो है FIA में वो DG की होती है, डायरेक्टर जनरल की। उसके बाद फिर होती है ADG की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मतलब सेकंड नंबर पे टॉप टू बॉटम। उसके बाद फिर आपकी होती है डायरेक्टर की, जो जोन का हेड होता है और जोन को लीड कर रहा होता है। उसके साथ फिर होती है एडिशनल डायरेक्टर की, जो असिस्ट कर रहा होता है इसको डायरेक्टर। इसी तरह फिर डिप्टी डायरेक्टर की होती है, वो 18 ग्रेड में होता है। उसके बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर 17 में होता है। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर 16, फिर सब इंस्पेक्टर 14, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 9 का है शायद, अभी प्रमोट हो मतलब इसको आगे कर दें 11 का कर दें। फिर हेड कांस्टेबल जिसे हवालदार कहते हैं वो होती है मतलब पोस्ट। उसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट होती है। ये इनका मतलब हेरा की है। अगर बॉटम टू टॉप ले जाएं तो फिर इसी तरह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गया, ASI हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर ये आपसे पूछेंगी, ये चीज़ें आप लोग नोट तो नहीं कर सकते, बस यही कि याद कर लें इसको, लिखते जाएं फिर भी ठीक है। तो मतलब सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, देन डायरेक्टर जनरल जो हमारा लीड होता है। जो मतलब FI का जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, G9 में वाक़ है। उसके अलावा FIA के 7 जोन्स हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ब्रॉड जो हम कहें तो 2 हैं, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। उनको ADG मतलब लीड कर रहा होता है, जो मतलब ब्रॉड अगर हम डिवाइड करें तो नॉर्थ जोन है उसमें बलोचिस्तान के, पंजाब के 2 जोन आते हैं। एक मतलब FIA के वैसे भी पंजाब में 2 जोन है, एक लाहौर है, एक फैसलाबाद है, और जो तीसरा है नॉर्थ में वो इस्लामाबाद और KP की। मतलब ये 4 जोन जो हैं, 2 पंजाब के जोन मिला के, एक इस्लामाबाद का जोन मिला के, एक KP के जोन मिला के, ये नॉर्थ जोन में आ जाता है। उनको फिर जो लीड कर रहा होता है ओवरऑल वो ADG होता है। लेकिन फर्दर इन जोन को जो ये कंसर्न मतलब अभी पंजाब में है तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर होंगे, इस्लामाबाद में जोन है एक डायरेक्टर होगा, KP के का एक डायरेक्टर होगा, लेकिन इसके ऊपर इनको लीड कर रहा होगा तो वो ADG होगा, जिससे मैंने बताया एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसी तरह अगर साउथ जोन की बात करें तो उसमें 3 जोन्स हैं, 2 सिंध के हैं, एक कराची है, एक सखर है, एक बलूचिस्तान है जहाँ मेरी पोस्टिंग है, तो वहाँ का ADG अलग होता है। और लेकिन जो कंसर्न जोन जैसे मैंने बताया कि भाई साउथ जोन में 3 फर्दर जोन है 2 सिंध के, तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर होंगे सिंध में, कराची में अलग होगा और एक इसमें सखर में अलग होगा, इससे बलोचिस्तान में अलग मतलब डायरेक्टर बैठता है। उसके फर्दर फिर चले जाएं तो उनके फिर 14 यूनिट्स हैं। यूनिट्स इस तरह के हैं जैसे हम कहते हैं कि ब्रांचेज हैं,
हर किसी का अपना फंक्शंस होता है, वर्किंग होती है उनके, मतलब कि इसमें जिसमें मैं हूँ वो HTCA, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग है, इसी तरह एंटी करप्शन सर्कल है, इमिग्रेशन है, CTW काउंटर टेररिज्म विंग है, वो आपके गूगल में जाएँ वहाँ पे 14 लिखे हुए हैं सारे, वहाँ से आप देख लें। और इकोनॉमिक क्राइम है, ये मतलब 14 हैं, उनका अपने अपने फंक्शंस हैं। और जो FI के मतलब एम्प्लॉय होता है वो इन तमाम जोन में उनको पोस्टिंग कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, कभी 2 साल इधर कर दी, 2 साल किसी और उसमें यूनिट में कर दी या विंग में कर दी, इनको भी कहते हैं यूनिट भी कहते हैं, विंग्स भी कहते हैं। इमिग्रेशन विंग्स अलग है, ACC एंटी करप्शन सिस्टम बताया वो अलग है, HTC एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो अलग है, फिर CTW काउंटर टेररिज्म विंग वो अलग है, इकोनॉमिक विंग अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग अलग है, एक और है टेक्निकल विंग अलग है। मतलब टेक्निकल विंग वो है उसकी जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, ये उसका क्या काम होता है फॉरेंसिक करना, चीन का फिंगर जो होती हैं उनकी, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं कोई सिग्नेचर हो गया जो भी चीज़ें हैं मतलब उनकी, मतलब वहीं पर फॉरेंसिक वगैरह उनकी चीज़ें मतलब वो तैयार करते हैं। साइबर क्राइम विंग हो गया, साइबर क्राइम जैसे कोई ऐसी कोई ऑफेंस हो या कोई ऐसी मतलब चीज़ हो जो एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क के जरिए अक्कर हुई हो, उसको मतलब साइबर क्राइम ही डील कर रहा होता है। ये सारे मतलब इनके 14 विंग्स हैं ये तैयार कर लें, वहाँ सारे इनके फंक्शन लिखे हुए हैं सारे, मतलब ये सारे आपको पता होना चाहिए इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। उसके अलावा कुछ टर्म्स मुझसे पूछे थे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग आप नेट से चेक कर लें, वैसे मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सिंपल अगर हम कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी जो है उसको वाइट किया जाता है। यू कैन से कि ब्लैक मनी मनी इज कन्वर्टेड इनटू द वाइट मनी। जो मतलब जो बड़े लीडर्स होते हैं वो मतलब वैसे ही जो लोग करप्शन करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उसको फिर एक प्रोसेस के तहत लीगल करवा देते हैं, उस प्रोसेस को वो लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो वो प्रोसेस से मतलब उसको एक प्रोसेस चला के फिर वो मार्केट में यूज करते हैं, फिर लीगल कर देते हैं। इस तरह अभी पानामा का इशू हुआ था या किसी और चीज़ का हुआ था, कि यहाँ के लोग पैसे लेकर जाते हैं, समगल करके जाते हैं, टैक्स नहीं पे करते हैं, फिर वहाँ से प्रॉपर मतलब फिर वो अपने अकाउंट जमा करवाते हैं, फिर वो डायरेक्ट छः में यहाँ पे मतलब यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हवाला होंगे हो गई या कोई और चीज़ें हो गई। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि भाई जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ये आपसे पूछेंगे, ये चीज़ें आप फर्दर मतलब तैयार कर लें। उसके अलावा वाइट कॉलर क्राइम का पूछा था हमने से कि वाइट कॉलर क्राइम क्या है। ये वो क्राइम होता है जिसमें फिजिकल कोई तरह का वायलेंस नहीं होता है, मोस्टली इसकी यही डिफिनेशन होती है कि जो अफसर लोग मतलब कि ये मतलब ऑफेंस करें, जैसे ATM से चोरी हो जाती है या कहीं मतलब बैठे बैठे कहीं हैक कर लेना, जो अफसर जहाँ कोई बड़े लीडर्स होते हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो करप्शन करते हैं, जो चीज़ है वो इसमें वो लोअर क्लास लोग मतलब क्राइम करते हैं या चीज़ें करते हैं वो फिर ब्लू कॉलर क्राइम में आ जाता है। इसी तरह मतलब कि ये और मतलब अगर अब देखा जाए तो FI के जो हैं PPC पाकिस्तान पेंडल कोड है, उसको मतलब कि कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ के 115 सेक्शंस हैं, वो भी आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप जाएंगे वेबसाइट FI के वहाँ पे लिखे हुए 115, उसी को कंसल्ट मतलब किया जाता है, कोई ऑफेंस होता है तो वो सेक्शन हम यूज़ करते हैं, मतलब FI यूज़ करते हैं। उसके अलावा 36 इसके अपने स्पेशल लॉज हैं, जैसे पासपोर्ट एक्ट हो गया, फॉरन एक्ट हो गया, इमिग्रेशन एक्ट हो गया, नादरा एक्ट हो गया, मतलब ये 36 स्पेशल लॉज हैं। 115 वो जो हैं पाकिस्तान पेनल कोड की हैं सेक्शंस, और इसके 36 अपने लॉज हैं स्पेशल लॉज, जो मतलब सिर्फ FI के लिए FI के फंक्शन के लिए बनाए गए हैं कि भाई अगर कोई पासपोर्ट में कोई फ्रॉड करता है, ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, तो उसमें कौन सा मतलब एक सेक्शन लगाया जाएगा, तो फिर वो पासपोर्ट का एक देखेंगे जो ऑफेंस उसको अटैक करता है, क्या भाई वो मतलब लगा देते हैं।
वहाँ पे सारी चीजें हैं वो आप देख लेना, एकदम डिटेल में नहीं पूछते हैं आप लोगों से, जनरल और ओवरऑल पूछेंगे। तो कोशिश करें जनरल जितनी भी चीज़ें वो आप तैयार कर लें। FIR का पूछेंगे कि भाई FIR जो है वो FIR का मतलब स्टैंड फॉर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये सेक्शन 154 CRPC के तहत रजिस्टर की जाती है, लॉन्च की जाती है, काटी जाती है, जिसे हम सिंपल कहते हैं। इस तरह पर आप EPC की कोशिश करें 54 से लेके 75 तक, मतलब इन्वेस्टिगेशन के मुतल वो हैं सेक्शन हैं PPC के, सॉरी CRPC के, इनमें ये कोड के तो आप पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि वो ज़रूर पूछते हैं ये, मतलब ये जो मेजर मेजर चीज़ें ये पूछते हैं। इस तरह SHO हो गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो आपसे पूछेंगे भाई स्टेशन SHO क्या होता है, स्टेट फॉर, आप लोग ये मतलब उनको बता देंगे, मतलब कि जो स्टेशन ऑफिस मास्टर होता है भाई ये, मतलब आप मतलब ये चीज़ें आपसे वहीं पे पूछ लेंगे। उसके अलावा बाकी अगर हम ये भी आपसे पूछेंगे कि पुलिस और FIR में क्या डिफरेंस है, तो इसका मेजर डिफरेंस ये है कि पुलिस में कोई भी कंप्लेन आती है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट FIR काट देते हैं। और इसी तरह ऑफेंस के भी दो टाइप्स के, मतलब टाइप के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो मतलब कि इस तरह का होता है जिसमें पुलिस को या FIR को पावर होता है वो अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज को, लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल होता है उसमें वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको फिर परमिशन लेना पड़ता है किससे, मजिस्ट्रेट से, कंसर्न जो मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, उससे, वहाँ से उनको मतलब वो परमिशन लेनी पड़ती है। आपसे यही पूछेंगे तो जो डिफरेंस है पुलिस और इसका ये कि पुलिस में डायरेक्ट FIR काटते हैं, कोई भी आप कंप्लेन लेकर जाते हो पुलिस थाने में तो वहाँ पे डायरेक्ट FIR काटेंगे, लेकिन FIR में डायरेक्ट FIR नहीं काटते हैं, पहले कंप्लेन आती है, कंप्लेन के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, कंप्लेन जो डिप्टी डायरेक्टर होता है FIR का वो सर्कल का इंचार्ज होता है, फिर सर्कल के अंदर एक थाना होता है, जैसे पुलिस में एक थाना कल्चर है तो FIR में भी है, सर्कल में एक थाना होता है, वहाँ पे सेल होती है जहाँ पे अक्यूज वगैरह को लेकर आके वहाँ मतलब रखते हैं। तो फिर मतलब कि मतलब यहाँ FIR की बात करें तो एक कंप्लेन आ जाती है, एक कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर किसी ASI को मार्क कर देता है कि इस कंप्लेन को आप वेरीफाई करें, उसके लिए 15 डेज होते हैं कि, फिर उसमें वो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है ASI, मतलब कि मिनिमम लेवल का अगर बात करें वो ASI होता है, अगर वो सब इंस्पेक्ट को भी दे सकते हैं, सब रीडिंग पे वो डिपेंड करता है वो किसको दे रहा है, मोस्टली मतलब ASI कर रहा होता है क्योंकि वो बस जस्ट वेरीफाई करना होता है उस कंप्लेन को, ये जेन्युइन है या फेक है, या मतलब इस पे इंक्वायरी कन्वर्ट की जाए या नहीं की जाए। अगर ये मतलब कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया उसके बाद क्या होता है, फिर इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है FIR में, लेकिन जब वो पुलिस में तो कंप्लेन आ गई डायरेक्ट वो फिर FIR काट देते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, चालान होता है, वो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले कंप्लेन आई फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 15 दिन में वो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है वो CFR कॉन्फिडेंशियल फाइनल रिपोर्ट बना के अपने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को दे देता है कि भाई ये कंप्लेन थी, इसको इंक्वायरी में कन्वर्ट किया जाए या क्लोज किया जाए। जो अगर वो क्लोज करता है तो फिर डिप्टी डायरेक्टर को पढ़ के देख लेगा, क्लोज होती है तो क्लोज कर देगा, नहीं होती है तो फिर आगे कहेगा कि भाई तो दोबारा वो कर दें, ये मतलब जो चीज़ें जो भी हैं और उसमें वो मतलब वो जो है वेरीफिकेशन वाला प्रोसेस से फिर वो इंक्वायरी में प्रोसेस कन्वर्ट हो जाता है। तो इंक्वायरी में क्या होता है, डिफरेंट रिकॉर्ड मंगवाए जाते हैं कि कोई कंप्लेन आ गया भाई किसी ने फ्रॉड किया, जो चीज़ है वो जितने भी सबूत हैं वो मतलब उसमें बुलाए, मतलब वो उसमें लाए जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ बैंक्स को, मुख्तलिफ जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मतलब लेटर लिखे जाते हैं या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है कि भाई हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए। इसमें फिर जो है इंक्वायरी प्रोसेस जो है स्टेज है, इसमें फिर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, जिसने कंप्लेंट की थी कंप्लेनेंट और दूसरा जो अलेज्ड पर्सन था, दोनों को बुलाया जाता है, दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। वेरिफिकेशन में फिर सिर्फ उस जो कंप्लेनेंट होता है उसको बुलाया जाता है, उसका बयान लिया जाता है कि भाई कि आपने कंप्लेंट किए, मतलब उससे कुछ चीज़ें ली जाती हैं, उसको कहेंगे आप आगे इसको प्रोसीड करोगे और हम इंक्वायरी में कन्वर्ट करते हैं, वो अगर यस कहता है तो फिर आगे करते हैं, अगर नहीं उसको फिर वहीं पर ही वाइंड अप कर देते हैं। फिर इंक्वायरी में क्या होता है, अगर वो जो अलेज पर्सन है वो प्रूफ दे देता है कि भाई ये इंक्वायरी मेरे खिलाफ इनिशिएट की गई थी, ये बेसलेस है, ये
मतलब वैसे ही बनाई गई थी, वो कोई प्रूफ दे देता है, फिर उसको इंक्वायरी को उस स्टेज में एफिडेविट के जरिए खत्म करवाया जाता है। अगर वो नहीं दे देता है फिर उस इंक्वायरी को केस में या केस में कन्वर्ट किया जाता है। केस में वो जो इंक्वायरी है वो केस जब हम FIA में इंक्वायरी है जब उसको केस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वो डायरेक्टर हमें परमिशन देता है कि आप इस इंक्वायरी को केस में कन्वर्ट करें। केस में या इन्वेस्टिगेशन एक ही बात है, केस में कन्वर्ट होती है तो फिर वो FIR काट दी जाती है, बंदे को पकड़ के फिर वो 14 दिन रिमांड होता है, वो 14 दिन अपने कस्टडी में रखते हैं, उससे मतलब इंटरोगेशन करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ जो मिल जाए तो उसके खिलाफ उसमें मतलब कि ट्रायल में आयो को मतलब वो तभी तो उसको रिमांड पहले मिल जाता है, लेकिन वो ये लेकिन जो है उसके बाद वो बंदे को जो अक्यूज होता है उसको फिर जुडिशल कर देते हैं, मतलब मेन जेल भेज देते हैं। उसके बाद हम मोस्टली से मतलब इंटरोगेशन नहीं करते, अगर कोई इंपॉर्टेंट हो जाए तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस में भी यही है। तो फिर उसके बाद फिर चालान की, वैसे आप तो पूछेंगे नहीं, चालान के 3 टाइप्स होते हैं, इंटरिम चालान हो गया, सप्लीमेंट्री चालान हो गया और फाइनल चालान हो गया। 14 दिन में ये जो बंदे को हम जुडिशल कर देते हैं भाई वाले, जो उसके बाद एक इंटरिम चालान देना ज़रूरी होता है, कोर्ट में जमा करवाना होता है कि भाई ये अक्यूज था, मैंने इसके अरेस्ट किया, मैंने उससे ये चीज़ें बुलवाई हैं, उसने ये मतलब मतलब उसने एडमिट किए हैं, या कुछ लोग मतलब जो विटनेसेस हैं उनके नाम लिखते हैं कि कितने लोग आए, उनके में हमने बयान लिए, ये मतलब विटनेसेस हैं जो उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चालान होता है, तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है या कोई उसकी मोबाइल है उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो तो फिर सप्लीमेंट्री चालान की सूरत में कोर्ट में जमा करवाया जाता है। जो फाइनल चालान है वो तब जमा करवाया जाता है कि जब आयोग को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगे कि भाई अब इस केस की फर्दर मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या कहता है, फाइनल चालान दे देता है कि भाई ये स्टोरी थी, मतलब ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, इस बंदे का इतना मतलब जुर्म है, ये सेक्शन मतलब इतना इतना उसका। कभी कभी एक उसमें केस में ज़्यादा लोग भी होते हैं तो फिर उसमें यही डिटरमाइन किया जाता है कि इस बंदे का इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, इसकी इतनी थी, ये मेन बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व था, वो फिर फाइनल चालान में चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है, फिर वो ट्रायल कोर्ट पर डिपेंड करता है कितने दिन चलाता है, उसमें आयोग का बयान वगैरह होता है। ये आपसे वैसे नहीं पूछेंगे, जनरल बता रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि जो FI और पुलिस में जो फ़र्क है यही है कि पुलिस में कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं FIR में, क्योंकि FIA में इस तरह नहीं है। FIA में पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर तो उसके बाद फिर इंक्वायरी का स्टेज होता है या इंक्वायरी का प्रोसेस होता है, इंक्वायरी के प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद फिर केस का प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। जो इंक्वायरी में जो ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा होता है उसको इंक्वायरी ऑफिसर कहते हैं, EO, ठीक है, शॉर्ट अगर कहें तो EO उसको कहते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर। और जो इन्वेस्टिगेशन या केस में होता है उसको आयो कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। ये मतलब इनकी होती है, मतलब ये जो डिफरेंस था पुलिस और इसमें, ये हमेशा पूछते हैं। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू देने गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये मुझसे चीज़ें पूछी थी, तो मतलब यही चीज़ आप लोग उसे भी पूछेंगे। और दूसरा ये कि FIA में जो है 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं, मतलब 3 जो हैं डिजिग्नेशन वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ उनका काम बहुत ज़्यादा है। एक तो सब इंस्पेक्टर है, और दूसरा इंस्पेक्टर लेवल का अफसर होता है, और तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर। ये तीनों मतलब जो हैं, ये तीन अफसर जो हैं वो इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होते हैं। मतलब और तो अगर पुलिस में देखा जाए तो एस आई लेवल के अफसर को भी इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे SI लेवल के अफसर को इन्वेस्टिगेशन नहीं देते, उसको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, मैंने आपको बताया कि वो कंप्लेंट दे देते हैं कि इसको वेरीफाई करें, ये जो कॉन्टेंट्स हैं इसको आप वेरीफाई करवाएं उस बंदे से जिसने कंप्लेंट की, कंप्लेंट नंट है, यही है। और ये भी आपसे पूछेंगे क्योंकि भाई ये FIA में जो मेन पिलर्स हैं जो काम करते हैं वो कौन से, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, तो आप लोग बता देना, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और
असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर होता है, वो सर्कल का इंचार्ज होता है, वो सिर्फ लीड कर रहा होता है, सुपरवाइज होता है, ऑफिस में बैठा होता है, उसको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होता है। ये चीज़ें मतलब FI के मुतालिक हैं। अगर इसमें कोई आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है तो आप बाद में मुझसे मतलब पूछ लें लास्ट में, अब लिख लें अभी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो मतलब मुझसे भले पूछ लें। बाकी यही चीज़ें हैं, इससे कहीं और नहीं जाएंगे। मतलब पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि करंट अफेयर आप लोग तैयार कर लें, GK तैयार कर लें, FI के मुतालिक पूरा आपको डिटेल मैंने ये बता दिए, 1974 का एक्ट मैंने आपको बताया, वो PDF में डाउनलोड कर लें, वो सारा तैयार कर लें। उसमें सेक्शन 5 है, वो जो है FI के पावर्स के मुतालिक है कि पावर्स FI क्या क्या हैं, तो 3 उसमें हैं। एक क्या है कि वो अरेस्ट कर सकती हैं किसी भी बंदे को, क्या अरेस्ट कर सकती है FI, और दूसरा क्या है कि वो सर्च कर सकते हैं, सर्च ऑफ किसी भी प्लेस का कर सकते हैं, किसी घर का कर सकते हैं, किसी बंदे के शक कि ये बंदा इन्वॉल्व है किसी ऑफेंस में, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी है, सीज ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब किसी कोई प्रॉपर्टी है जो इन्वॉल्व है हवाला लॉन्ड्रिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में, उसको सीज कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये मतलब है 3 उनके पावर्स हैं, सेक्शन 5 में FI Act 1974 में मेंशन है, वहाँ पे आप लोग देख लें। और इसका जो मोटो है वो ईमानदारी और दयानतदारी है, वो भी आप देख लें। ये भी पूछते हैं कि FI का मोटो क्या है, जो आप कहें कि ईमानदारी और दयानतदारी, अदरवाइज आप लोग मतलब कंसल्ट कर लें। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि NAB और FIA में जो है एक, मतलब NAB जो है वो भी एक फेडरल इदारा है, FIA भी है, ये दोनों एंटी करप्शन के खिलाफ भी काम करते हैं, तो इसमें किस तरह के केसेस मतलब कैसे डील होते हैं? तो मोस्टली जिससे देखा गया है वो 50 करोड़ से जो अबव केसेस होते हैं वो फिर NAB को दिया जाता है, और जो NAB डील करता है वो 50 करोड़ से जो बिलो है एंटी करप्शन का, तो वो फिर FI डील कर रहा होता है। बाकी FI के पास ओवरऑल पावर की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेडरल इदारा है, और फेडरल जितने भी पावर्स हैं जहाँ जहाँ डोमेन है FI वहाँ वहाँ पर काम करा होता है। इंटरपोल जो है उसके साथ भी FIA ही, मतलब उसके ही वो है FIA डील कर रहा होता है कि भाई बाहर का कोई बंदा वांटेड है पाकिस्तान में है, इंटरपोल जो है वो FI से आपका कॉन्टेक्ट करेगी, FIA मतलब उस बंदे के अरेस्ट करके जो भी है प्रोसेस के तहत उस बंदे को मतलब इंटरपोल के हवाले कर देगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर भाग गया है, तो फिर FIA इंटरपोल उसे कंसल्ट करके वहाँ की कंसर्न एजेंसी है या इंटरपोल है उससे मतलब उस बंदे को मतलब अरेस्ट करवाएगी। यही मतलब मेजर मेजर इसकी चीज़ें हैं। बाकी इससे अलावा आपको इस तरह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, बाकी करंट अफेयर का है वो आपसे पूछेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई फॉरन मिनिस्टर पूछ सकते हैं करंट अफेयर, आपको इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ लें, किसी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपने बताया कि आप जो है ना पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन की थी और आपको वहाँ से जो है ना क्वेश्चंस आए थे। जी जी बिल्कुल। तो सर मेरा भी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन है, बट सर मैं इसके बारे में वो सर्टन नहीं हूँ कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो काइंडली आप अगर एक एक करके अपने सारे क्वेश्चंस और जो आपको लगता है मेजर पूछे जा सकते हैं वो अगर बता दें तो हम लोग लिख लें। जी बिल्कुल। तो आपको जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं 158 हैं वो आप वैसे बता रहा हूँ वो उसको थोड़ा पढ़ लें। उसके अलावा जितने भी फिलासफर्स थे, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गया, उसका मतलब जो मेजर थ्योरीज हैं वो देख लें, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंस है मेजर डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम और प्रेजिडेंशियल सिस्टम हो गया, उसमें डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट में हेड कौन होता है, प्रेजिडेंट में हेड कौन होता है, इस तरह जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का पाकिस्तान की जो हमारी पार्लियामेंट है वो आपसे पूछेंगे कि पार्लियामेंट कितने ऐवानों पे मुश्तमिल है, कितने सीनेट है उसके मेम्बर्स आपको पूछेंगे कितने मेम्बर्स हैं, ये सारा मतलब ओवरऑल मैं स्टार्ट करूँगा। और आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, 1956 के बारे में पूछेंगे, उसकी जो भी उसके साइलेंट फीचर्स हैं 1962 है वो आपसे पूछेंगे, उसके अलावा 1973 के बारे में आपसे पूछेंगे कि वो जो साइलेंट फीचर्स हैं, 18th अमेंडमेंट है वो आपसे पूछेंगे, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके वो आपसे पूछ सकते हैं, एजुकेशन का जो आर्टिकल था 25 के अंदर पूछा था।
इस तरह जो वैसे वैसे चीजें हैं आपको लग रही है इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे आप। हेलो सर। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये कि मार्क्स कितने होंगे इंटरव्यू के? अभी अभी इंटरव्यू के मार्क्स 30 है मेरे ख्याल में। सर मेरे दो क्वेश्चन है। जी 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 सर, मेरे दो क्वेश्चन सर। अपर डिवीजन यूडीसी का मेरा इंटरव्यू है, अपर डिवीजन क्लर्क एफआईए का, और मेरी क्वालिफिकेशन है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सर मुझे बताएं कि मैं यूडीसी की प्रिपरेशन इंटरव्यू की कैसे करूं अपर डिवीजन क्लर्क। देखो एक तो मैंने आपको बता दिया ब्रॉड लेवल पे कि आप चार चीजें तैयार करनी चाहिए। करंट अफेयर आपको तैयार करना चाहिए, वर्ल्ड जीके जितना इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने बताया, कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अलावा ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, मतलब मेजर चीजें मैंने आपको बता दी वो तैयार करनी है दो चीजें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अब आ रही? सर अब आ रही है। सर आप बता रहे थे जीके और वो आगे बताएं। तो आप देखो मेजर चीजें हैं चार, वो आप तैयार कर लेना ठीक है। एक जीके तैयार कर लें, करंट अफेयर तैयार कर लें, एफआई के मुतालिक जिस तरह मैंने आपको बता दिया वो तैयार कर लें, और कंसर्न जो आपकी डिग्री है उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन आपका अगर एलडीसी है यूडीसी है यहाँ पर लेवल जो आप बता रहे हो तो इसके बारे में आपसे पूछेंगे। इसमें मेरे घर में कंप्यूटर वगैरह यूज होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कोई इस तरह का काम आप पूछेंगे, कोई भी फार्मूला हो गया आपको ज़्यादा पता है, आपने उसमें वो किया हुआ डिप्लोमा, ये आपसे पूछेंगे। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट जिस उसमें पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसको भी आप पढ़ लें। एक तो आप डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपसे कम पूछेंगे। वो सब इंस्पेक्टर से पूछ सकते हैं, डायरेक्टर से पूछ सकते हैं, इंस्पेक्टर से पूछेंगे, लेकिन आपसे आपका जो कंसर्न फील्ड है एलडीसी है यूडीसी है जो भी है उसके मुताबिक पूछेंगे। तो सारी चार वो चीज़ें और पांचवी चीज़ आप ऐड कर लें, इंशाल्लाह आपका मतलब अच्छा जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ना जी जी ये सर एफआईए की ना जो डिस्क्रिप्शन का तो बता दें सर, एएसआई की जो डिस्क्रिप्शन क्या होगी सर, एएसआई की जो डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको पता है कि जो एएसआई जो है ना वो वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है ठीक है ना। बाकी इसकी पे भी मैं बता देता हूँ, मैं पे आप नहीं बताई, पे इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी मेरी 14 है, 40 स्केल का सब इंस्पेक्टर हूँ मेरी, वैसे 94 है जो मुझे नेट मिल रही है वो 91 है, और जीपी फंड वगैरह काट के 91 मिल रही है। आपके पावर्स भी मतलब बहुत अच्छे हैं, जो मतलब एग्जीक्यूटिव स्टाफ जैसे मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर इनके पास बहुत काफ़ी है, इंस्पेक्टर एडी को डीडी को, क्योंकि ये मतलब किसी भी बंदे को सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर मतलब 14 का हो के सब इंस्पेक्टर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। आप देखें 22 ग्रेड का अफसर है उसने करप्शन किया उसको बुला के वो कर सकता है। उनके पास पावर भी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा है, और दूसरा इनकी पे भी अच्छी है, बाकी काम तो है। इसी तरह आपने पूछा एएसआई का, तो वो एएसआई जो है वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है, जितना काम नहीं होता है बस उसको एक कंप्लेंट आती है उसको वो वेरीफाई करता है, वो रिपोर्ट बना के CFR कहते हैं वो आगे डीडी को सौंप देता है कि इसको क्लोज किया जाए या ये कंप्लेंट वाकई इंक्वायरी में कन्वर्ट के लायक है, इसको उसमें वो इंक्वायरी में कन्वर्ट किया जाए या इसको क्लोज किया जाए। उसको कोई खास वो काम नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। इससे पहले सब इंस्पेक्टर मतलब ये जो है सब इंस्पेक्टर एएसआई हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एडी हो गया, इनकी ट्रेनिंग होती है, बाकियों की ट्रेनिंग नहीं होती है उस तरह। वहाँ पर आप लोगों को लास्ट पढ़ाएंगे 11 सब्जेक्ट होंगे, PPC CRPC स्पेशल आज बहुत चीज़ें पढ़ाते हैं। जी जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर नहीं, जी सर इनका जो मेरिट फार्मूला है जिस तरह 70 तो इन्होंने हमारे गिनने हैं यानी कि रिटर्न के 30 हो गए इंटरव्यू के, तो एकेडमिक मार्क्स इन्होंने हमारे गिनने हैं यानी कि जो ग्रेजुएशन के हैं या इंटर के मैट्रिक के? नहीं मेरे ख्याल में वो नहीं गिने, उन लोगों ने ट्विटर पे जो एफआई के कंसर्न वो है अकाउंट है उसने मेंशन किया था कि 70 का फार्मूला है हमने किस बेस पे लगाया है। जी सर आवाज नहीं आ रही आपके पास में। जी आ रही है, तो मैंने बता रहा था कि जो ये फार्मूला था ये ट्विटर अपना अकाउंट है, उसके अलावा गूगल में जाएं
उन लोगों ने ये फार्मूला वहाँ पे पॉलिसी जो थी 70% वाले लोगों ने मेंशन किया है कि भाई हमने 60 नंबर का पेपर लिया था, 10 नंबर किस चीज़ के हैं, कोई आपके एकेडमीज के कोई मार्क्स नहीं होंगे, बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। कोशिश करें, मतलब जितनी अच्छी तैयारी करेंगे बिलीव करें आपका इंटरव्यू आपका डिसाइसिव होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि मैं चौथे पाँचवें नंबर पर था, मुझसे बहुत अच्छे लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरा इंटरव्यू अच्छा गया तो मुझे लेवरेज दे के आ गया, मतलब लेकर गया। कोशिश करें इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कोई। जी सर, मैंने असिस्टेंट का टेस्ट क्लियर किया है, असिस्टेंट 15 ग्रेड का, तो सर उसकी थोड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन बता दें। देखो असिस्टेंट की कोई वो तो नहीं है, वो ये होता है कि वहाँ पे जैसे रीडर बरात में लेटर्स वगैरह होते हैं उनको भेजना होता है, या डिप्टी डायरेक्टर उसको दे देता है कि चीज़ आगे भिजवा दें उसको दे दें, या किसी की पोस्टिंग करनी होती है, वो असिस्टेंट टाइपिंग वगैरह जो असिस्टेंट है वही करते हैं, वो कंप्यूटर बैठे रहते हैं मोस्टली, ठीक है ना, उनकी वैसे अच्छी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। देखिए ये कि आप लोग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, आप असिस्टेंट हो फिर सुपरवाइजर हो सुपरिटेंडेंट होते हैं, सुपरिटेंडेंट के बाद फिर वो एडी बन जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्ट सॉरी असिस्टेंट जो है ठीक है डायरेक्टर जो है वो होते हैं, फिर एडमिन बन जाते हैं, फिर इस तरह ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, जो FI के मुलाजमीन हैं उनके मुतालिक किसी की पोस्टिंग करना, आर्डर तो हाई अथॉरिटी देती है, इलेक्ट्रिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये असिस्टेंट होते हैं, यही मतलब काम कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़रूरत होता है इनका, कोई इनका फील्ड वर्क उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने सब इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर जो SI या उसका सुनवाई की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और पंजाब पुलिस में क्या फर्क है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, FIA उसमें पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में क्या मेजर फर्क है? मतलब पंजाब का तो मुझे पता इतना नहीं है, लेकिन ये कि मैं वैसे बता दूंगा, जो FIA जो है ना वो एक फेडरल इदारा है, मैंने आपको बताया कि कोई भी फेडरल मुलाजिम जो है ना अगर करप्शन करता है देन FIA विल डील दैट केस, जो अगर प्रोविंशियल कोई मुलाजिम है जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया या एजुकेशन हो गया, उसका जो डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल है उसमें कोई बंदा करप्शन करता है या करप्शन में इन्वॉल्व है, वो फिर जो एंटी करप्शन है सूबाई तो पंजाब की सूबाई हो गई या हमारे इधर बलूचिस्तान की कोई सूबाई एंटी करप्शन हमारी है, तो वो जो सूबे मुलाजिम अगर उसमें इन्वॉल्व है तो किसी करप्शन में या किसी चीज में वो इसको FID करेगा, बाकी ये नहीं करेंगे ये डिस्टेंस से। पुलिस में भी है, पुलिस जो है एंटी करप्शन को इतना डील नहीं करती, वो फिर वो जो एंटी करप्शन वाले हैं वो डील करोते हैं प्रोविंशियल को, और पुलिस भी आपकी सूबाई है, वो आपकी फेडरल की नहीं, फेडरल की नहीं, आपकी फेडरल होता है, हम जो है पुलिस भी हैं एजेंसी भी है, और जो सूबाई है वो पुलिस और एंटी करप्शन काम कर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मुझे ये पूछना था कि फीमेल सब इंस्पेक्टर की भी यही ड्यूटीज हैं जो मेल सब इंस्पेक्टर की होती हैं, और उनको भी आउट ऑफ स्टेशन? जी बिल्कुल, यही ड्यूटी होती है, और लोग सर उनको भी आउट ऑफ स्टेशन जो है ट्रांसफर उनकी हो सकती है? होती है नहीं, इस अभी जो है ना इतनी पॉलिसी है, मेरे जितने कुलीग थे उनके सारे उनका इधर उधर तबादला कर दिया गया, लेकिन जितनी भी फीमेल है वो अपने कंसर्न प्रोविंस में काम कर रही है, यहाँ कुलीग सर तो पंजाब सर अगर पंजाब डिस्ट्रिक्ट से हूँ, स्पेसिफिकली लाहौर से हूँ, तो मतलब मुझे लाहौर में ही रखा जाएगा कि पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रखा जा सकता है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखते, इनकी मखसूस एरिया में इनके ऑफिस होते हैं, जैसे अगर पंजाब की बात करें तो इनका जो एक जोन है वो लाहौर में, दूसरा फैसलाबाद में है, हाँ इनके फिर कंपोजिट सर्कल्स होते हैं मुल्तान में हो गया, सरगोधा में है मेरे ख्याल में, अभी DG खान में खोला है, जहाँ जहाँ भी इनके कंपोजिट सर्कल्स हैं वहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफरेंस देंगे जो आपका करीब स्टेशन है जोन है वहाँ पे फीमेल को स्पेशली आपको प्रेफरेंस वहीं पर देंगे, और नेक्स्ट चीज आप लोगों को मोस्टली एयरपोर्ट में भेज देते हैं इमिग्रेशन में, क्योंकि फिर फीमेल के लिए इशू होता है वो रेड वगैरह करना ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे साथ पुलिस है ना वो बहुत परेशान होती है जब उनको रेड पे लेकर जाते हैं, वो कहते हैं इशू उनको आ रहा होता है मोस्टली सर, लेकिन अगर वो विलिंगली चाहे मतलब फील्ड में इन रहना, जरूरी नहीं है कि वो इमिग्रेशन वो प्रायोरिटी शो करें कि वो फील्ड में इन रहना चाहती हैं, तो फिर उनको रखा जा सकता है वहाँ पे? बिल्कुल आपको रखा जाएगा, ठीक है आपको फुल अख्तियार दिए जाएंगे,
बिल्कुल, ये भी मैं बात कह रहा हूँ, एफ आई में मोस्टली मतलब मेरिट पे देखा जाता है चीजें, इंटरव्यू मेरिट पे होगा, सिलेक्शन भी इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, और आपकी जो चॉइस होगी इंशाल्लाह आपको उसी चीज में आपको आगे वो कर लेंगे, क्योंकि फीमेल अवॉइड करती है इसलिए मैंने आपको बताया, वरना वो तो चाहते हैं कि वो फीमेल भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर प्लीज ये बताएं कि, अस्सलाम वालेकुम सर, सर प्लीज ये बताएं कि इंटरव्यू जो है फुली इंग्लिश में देना है, जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ना हो वो उर्दू में दे या मिक्स इंग्लिश उर्दू में दे? अगर देखा जाए तो मुझसे जो इंटरव्यू लिया था तो पहले तो आपसे पूछेंगे इंग्लिश में कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, तो आप कोशिश करें अगर वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिस लैंग्वेज में बात करता है, आप कोशिश करें उस लैंग्वेज में बात करें। सर आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल, एक्चुअली काइंडली रिपीट, आपकी आवाज कट रही थी। अभी आ रही है यार, वन बाय वन क्वेश्चन सर से करें और अपना जो है ऑप्शन है उसको करें, फिर उसके बाद वन बाय वन करें, टाइम बिल्कुल कम है, 10 मिनट है, तो वन बाय वन दो दो मिनट का अपना क्वेश्चन पूछिए। तो मैं बस मतलब बता रहा था कि जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, ट्राई टू उसी लैंग्वेज में आप आंसर दें। जैसे मुझसे पूछा था कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैंने इंग्लिश में किया था, और जब जब मुझे इंग्लिश में पूछ रहे थे मैं इंग्लिश में बता रहा था, लेकिन वो क्या करते हैं मिक्स उर्दू इंग्लिश मिक्स चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कुछ लोग बैकवर्ड एरिया के होते हैं, ये लैंग्वेज में मैटर नहीं करती, लेकिन आप लोगों को तैयार रहना चाहिए दोनों दोनों में, मतलब इंग्लिश में और उर्दू में। जी सर, FIA एक्ट 1974 के साथ साथ आपने 2002 का कौन सा एक्ट बताया, और दूसरा क्वेश्चन ये कि 2017 का कमीशन एक्ट भी पढ़ के जाना पड़ेगा। 2017 का कौन सा? 2017 का FIA कमीशन एक्ट जो पास हुआ था 22 जनवरी 2018 को, सर वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा? नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो 2002 का जो है FIA इंक्वायरी रूल्स है वो हम ऑर्डिनेंस है वो आप देख लें, 1974 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आपसे, ये चीजें आप क्या करें FIA के लिए। थैंक यू सर, वेलकम सर। जी इंटरव्यू कब तक होगा सर? मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वैसे हो जाते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स हो जाएंगे, उससे जल्द हो जाएंगे, तैयारी करें बैठ के तैयारी करें, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। सर ये इंटरव्यू के जो 30 मार्क्स हैं ये इन्होंने पर्सनालिटी वाइज डिवाइड किए होते हैं, तो ऐसा भी है कुछ सीन जिस तरह, यानी कि पर्सनालिटी के 5 नंबर्स और इसके अलावा जो है क्वेश्चंस के, इसका कोई डिवीजन है? बिल्कुल डेफिनेटली है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उससे 4-5 लड़के आगे थे ना, मतलब मेरा ऐसा भी पास था अलहमदुल्ला, मेरा सब इंस्पेक्टर था, और हमारे बलोचिस्तान की एक ही सीट थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें हम लोग 8 लड़के थे, लेकिन मैं 3 पीस में गया था, वेल ड्रेस्ड था, और सारे जितने और लोग थे वो कभी किसी ने क्या पहना हुआ था, किसी ने क्या पहना हुआ था, मतलब उनकी वजह से मुझे 5-6 नंबर का, मुझे जहाँ तक लग रहा था मुझे उन लोगों ने लेवरेज दिया था, डेफिनेटली है। जी सर, थैंक यू सर। मेरे पास डिप्लोमा नहीं है कोई, तो सर मैं कंप्यूटर का नॉलेज कैसे गेन करूँ UDC के लिए? नहीं उसमें कंडीशन नहीं थी क्या कंप्यूटर की? सर उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बस UDC मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा मेरिट भी बन गया UDC में। तो ठीक है, आप देखो उसमें वो मतलब कि उसमें जो क्राइटेरिया था देखे ना वो किस चीज का है, उसमें रखा था वो पढ़ ले, तो आप उसके नहीं पूछे, अगर नहीं रखा है तो नहीं पूछे। सर उसमें मेरे खास तालीम थी वो इंटरमीडिएट जा वो थी, तो मेरी तो बैचलर मास्टर है मेरी, तो कहीं से भी आपको नॉलेज मिल जाए ना, गूगल से मिल जाए, यूट्यूब तो बेस्ट आज का बेस्ट टीचर है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सिंध वालों के जो इंटरव्यूज हैं ये सखर में होंगे या सब इंस्पेक्टर के लिए या कराची में होंगे, और अगर जो हो जाते हैं उनको अपने ही डिवीजन में रखेंगे या किसी और डिवीजन में भी रख सकते हैं सर? ये इस बार आप लोगों के इंटरव्यूज कराची में होंगे, हर सूबे के जो इंटरव्यूज हैं उसके कैपिटल में होते हैं, हमारे हुए थे इधर लाहौर, मैं लाहौर में था, मेरा हुआ था इधर क्वेटा में हुआ था, इस तरह KPK वालों KPK में होगा, सिंध वालों का कराची में,
और इस्लामाबाद वगैरह इस्लामाबाद में होगा, पंजाब वालों का लाहौर में होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे डिवीजन की आपने बात की, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सिंध में ना एक तो उधर है कराची में है जोन, और दूसरा सक्कर में है, कंपोजिट सर्कल हैदराबाद में है, एक दो शायद लाड़काड़ में या उधर नौशर फिरोज में है, एक और है जहाँ जहाँ पे है इधर रखेंगे, पाँच छः वो हैं कंपोजिट सर्कल, ऐसे ज़्यादा नहीं है, आपको डिवीजन में नहीं रखेंगे, इन पाँचों के नज़दीक जो आपको करीब पड़ता है कंपोजिट सर्कल वो वहाँ पर आपको रखेंगे। और सर इसके साथ बस ये लास्ट बात ये बताइएगा कि ये जिस तरह इसमें इतनी सारी विंग्स हैं, तो ये जो पोस्ट आई थी हमें किस तरह पता चला, या वो बाद में डिसाइड होगा कि कौन सी विंग में जाना है आप? देखो ना मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये जस्ट विंग्स हैं, लेकिन ये आपको बाद में भेजेंगे। सपोज अभी मैं एसटीसी में काम कर रहा हूँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल और इमिग्रेशन में, मुझे दो साल यहाँ पर रख के फिर एसटीसी में भेज देंगे एंटी करप्शन सर्कल में, फिर उसके बाद साइबर में भेज सकते हैं, उसके बाद मुझे उसमें इमिग्रेशन में भेजते रहते हैं, वो रिशफल करते रहते हैं, वो खुद आगे करते हैं खुद ही। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक एएसआई के वाले से मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर, एएसआई की ड्यूटीज आपने बताया कि ये इंक्वायरी ऑफिसर होता है, लेकिन सर ये इसका ये एफआईआर लॉन्च भी कर सकता है कि नहीं? एफआईआर सब इंस्पेक्टर लॉन्च करेगा, एफआईआर जो होती है लॉन्च कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, एएसआई नहीं करेगा। ये पुलिस में एएसआई आपका कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरी डिग्री मेडिसिन में है, तो ये मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डालेगी, कोई मसला तो नहीं बनाएगा एफआईए में जॉब के लिए, या इसको मैं किस तरीके से रिलेट कर सकता अपनी जॉब के से एफआईए के? नहीं, वो आपके लिए कभी कोई जो भी आपकी डिग्री होती है ना वो कभी आपके लिए इशू नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं वो इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे एफआईएम इंस्पेक्टर हैं, एडीएम सब इंस्पेक्टर हैं, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको बस ये कि उनको आप ना पॉजिटिव रहें, उनको अच्छा आंसर दें, लॉजिक बेस पे हो, इंशाल्लाह आपको ये मैटर नहीं करती है गारंटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, सर जॉब डिस्क्रिप्शन तो बता दें सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की देखो मैंने कहा कि सब इंस्पेक्टर जो है वो मतलब कि यहीं से आप एफआई की इंक्वायरी ऑफिसर भी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, उसको इंक्वायरी भी देते हैं, और साथ वो इंक्वायरियाँ भी कर रहा होता है, उसको केस भी देते हैं मतलब केस का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं सब इंस्पेक्टर डील कर रहा होता है। उसके अलावा ये वेरीफिकेशन जो प्रोसेस है वो भी उसको दे देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी पोस्ट है। मेरी लेक्चरशिप की हो गई थी, एसएससी की हो गई थी, मैंने छोड़ी थी 17 की, और असिस्टेंट की 16 लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन यहाँ पे मैंने ये मतलब वो की ऑप्ट की इसी वजह से क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पावर भी है, और मतलब कि आप इंक्वायरी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन किसी भी बंदे को 160 या नोटिस दे के आप बुला सकते हो, आपके पास इतनी अख्तियार आते हैं, आप MNA को MPA को बुला सकते हो, बहुत पावर है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह से अब दो केसेस हैं पंजाब पुलिस की, एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का मर्डर केस और सुसाइड केस, तो सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि फोर्सेस में जो फीमेल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती, या सुसाइड की रेशियो ज्यादा है, मतलब इन नेगेटिव सेंस वो क्वेश्चन कर देते हैं कि कैसे सर्वाइव किया जाएगा, तो सर इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? देखो आप उसको इस तरह सेटिस्फाई करें कि मेरा हमेशा से एक मतलब कि वो गोल रहा है या मिशन रहा है कि मैं फोर्स में जाऊं, तो मैं फोर्स में जाके उस तरह कंट्रीब्यूट करूं। इसी तरह आप एग्जांपल दें बहुत सी, जैसे आयशा भट्ट है मेरे ख्याल में, उसके अलावा एक बलोचिस्तान की अभी लड़की हुई है, बहुत सी लड़कियां मतलब जो हैं फोर्सेज में बहुत अच्छी तरह, सुहाई अजीज चारतो साहब आए बहुत अच्छी तरह ये मतलब परफॉर्मेंस दे रही है पुलिस में, वो SSB है मेरे ख्याल में, SSB है, तो आप उनके एग्जाम्पल दें कि वो फोर्सेज में अच्छी तरह काम कर रही है, तो मैं भी इंशाल्लाह उसी तरह ही फोर्सेज में अच्छी तरह मतलब वो काम मतलब ड्यूटी करूंगी, तो आप उसी तरह उनको सेटिस्फाई कर सकती है, इशू नहीं है इतना, आप उनको एग्जाम्पल दें। बाकी ये है आपको इशू होता है क्योंकि फिर वो हुआ था ये जो रहीम यार खान वाला, तो उसको आप उस तरह एनालिसिस करके आप उनको बताएं बेहतर रहेगा। जी 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 थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। जी रिपीट द क्वेश्चन।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको पीसी नंबर तो नहीं मिलता काम करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछे ना, समझ नहीं आ रही, अब पूछे भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इंजीनियर्स हैं उनकी एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, तो उनमें सिर्फ डिग्री मांगते हैं या फिर पीसी नंबर भी मांगते हैं? डिग्री का दूसरा क्या बता रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा था कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो वो सिर्फ डिग्री मांगेंगे, रिक्वायर करेंगे इंटरव्यू के लिए, या फिर पीएससी नंबर भी मांगेंगे? नहीं, बस वो डिग्री मांगते हैं, जितना उन लोगों ने लिखा होता है कि भाई इस पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट है या बीए या एमए, भाई आपसे पूछते हैं आपकी डिग्री किसी में भी हो, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास वो क्वालिफिकेशन जो है उसी पे, उस क्राइटेरिया पे आप फुलफिल कर रहे हो। दैट्स इट सर, मैं ऑलरेडी पुलिस में सर्व कर रहा हूँ, तो पुलिस के मुतलका सवाल पूछ सकते हैं, कितने डीपली पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने लॉस तो नहीं पढ़ाए जाते, तो वो एक जो फील्ड का जो ग्रोथ होता है वही है। जी थोड़ा लाउडली बोलें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी पुलिस में सर्व कर रहा हूँ एज ए कॉन्स्टेबल, तो उसमें एफ आई ए में कानून के मुतालिक जो लॉज जो सेक्शन है वो कितने हैं पूछ सकते हैं, कितने डिटेल में पूछ सकते हैं, और हम क्या क्या पढ़ के जाएं कि वो कवर हो जाए? बिल्कुल, वो आपसे पूछेंगे, आपने अगर वो जो है ना ये जॉब की वो दे दी है ना उधर सर्टिफिकेट जो करेक्ट, वो करेक्टर जो है, तो वो आपसे पूछेंगे, अगर आपने शो किया है मेरा मकसद है, तो आपसे पी पी सी के बारे में पूछेंगे कि पी पी के कितने सेक्शन है, मेरे पास 11 हैं जो कि चेक कर लेना, पी पी सी के पूछेंगे, सी आर पी सी के पूछेंगे, कितने भी हैं वो आपसे पूछेंगे, कंसर्न जॉब आपसे पूछेंगे जो आपके प्रीवियस है इससे एफ आई से पहले वो आपसे पूछेंगे, उसके बारे में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और यही पूछेंगे क्यों आप उसको छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे तरह ये जवाब लिख लें, समझ लें, मतलब बना लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अगर वो पूछे हमसे कि आप एफ आई ए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम सर उनको क्या जवाब दें? काइंडली इस पे थोड़ा सा देखो, हर किसी की अपनी एक वो होती है, आप ये कहें कि भाई एफ आई एक पाकिस्तान में एक मतलब बेस्ट एक एजेंसी है, तो मुझे एक शौक है पाकिस्तान के किसी इस तरह में जाऊँ, किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ जहाँ मेरी रेस्पेक्ट हो, रेस्पेक्ट हो, उसी रेस्पेक्ट के साथ मैं काम भी कर सकूँ, तो आप इस तरह उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, या आप सोच लें अच्छी तरह इनको आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एफ आई एक ऐसा इदारा है जो मतलब आज आज के तौर पर बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, एक इदारा है जिसमें पावर भी है, अच्छी पे है, सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो, एक बेहतरीन ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशन है। आ गया, आ एक मिनट रुक जा। ओके ओके आ गया, आ गया। जी नेक्स्ट। ये सर जी मैंने एमफिल में है, तो ज्यादा क्वालिफिकेशन का कोई नुकसान तो नहीं होता सर जी? क्या सर जी मैंने एमफिल किया हुआ है, तो ज्यादा क्वालिफिकेशन का कोई नुकसान तो नहीं होता सर? ये बात रिमेम्बर कर लें, लाइफ में ना हमेशा जितनी ज्यादा आपकी मतलब एजुकेशन होगी उतना ज्यादा आपको प्रेफरेंस देंगे, याद रखना, आपकी कम होगी आपको इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, ज्यादा एजुकेशन वाले बंदे को या ज्यादा मतलब उसको डिग्री को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये मैंने नोट किया। थैंक यू सर, ये आपका बोनस पॉइंट है। जी जी सर, हम क्या उन्हें बताएं कि हमने सीएसएस के अटेम्प्ट दिए हुए हैं प्रीवियसली और पीएमएस के, या नहीं बताएं? आई थिंक यू डोंट नीड टू शो इट, मुझसे भी पूछा था, मैंने भी 2019 में दिया हुआ था, मुझसे पूछा था, मैंने कहा नहीं दिया है, उन्होंने मुझे काफी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि दिया होगा ये, लेकिन मैंने उनको इस तरह जवाब दिया कि मैंने नहीं दिया है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी शो ना करें क्योंकि इससे बैड इम्पेक्ट पड़ता है। हाँ, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो फिर आप बता दें, मतलब कोई सिर्फ 3-4 मार्क्स रह गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज बताएंगे जरूर नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो मैक्सिमम पंजाब के नंबर है ना वो 55 है, तो मेरे क्या ये 5 नंबर के जो डिफरेंस है इसको हम इजीली कवर कर सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि रिटर्न की ज्यादा वेटेज है और उसकी कम है इंटरव्यू की, 30% है उधर, तो बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझसे 5-4 लड़के आगे थे, उनके मार्क्स अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, लेकिन मुझे क्यों मिला मतलब लेवरेज क्यों मिला या 5-6 नंबर में क्यों मतलब एक ही पोस्ट थी, इसी वजह एक तो मैंने अच्छी ड्रेस की हुई थी, दूसरा मैं पॉजिटिव बहुत मतलब वो था मतलब
हर चीज को एक उस रेशनल होकर जवाब दे रहा था। और मेरा क्वेश्चन जितने मेरे थे अलहमदिल्ला एक मिस हुआ था, वो भी मैंने बाद में चेक किया था कि वो मतलब इस तरह नहीं हुआ था, मतलब वो वैसे ही उन्होंने पूछा था। तो मतलब आपकी इंटरव्यू अच्छा जाए, पर्सनालिटी मतलब जो ड्रेस है वो अच्छी हो, पॉजिटिव हो रहे, आप 5-6 नंबर का उससे ज्यादा आप आगे जा सकते हो, किसी से लीड कर सकते हो। जी जी नेक्स्ट फर्म करके करंटली कितने एडिशनल डायरेक्टर जनरल काम कर रहे हैं एफआईए में, क्योंकि लास्ट टाइम 9 थे तो अभी उसका नंबर बढ़ा है कि नहीं? हाँ ये तो मुझे ये पता नहीं है, जो मैंने डायरेक्टर का पढ़ा था वो 10 पढ़ा था, एडिशनल डायरेक्टर जो हैं एडीजी उसके 3 पढ़े थे, और हमारा जो डीजी होता है वो एक ही होता है। बाकी जो एडिशनल डायरेक्टर की बात कर रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारा एक ही एडिशनल डायरेक्टर है, नहीं हमारा हाँ एक ही एडिशनल डायरेक्टर है। इसी तरह आप हिसाब कर लेना कि कराची का एक एडिशनल डायरेक्टर होगा, और सक्कर का एक होगा, एक और का होगा, एक फैसलाबाद का होगा, एक इस्लामाबाद का होगा, एक केपीके का होगा, एक इस्लामाबाद ऑफिस है जीनरी वाली वहाँ पे एक होगा, तो ये यही होंगे इस हिसाब लगा ले जितने बनते भी है। ये आपसे नहीं पूछेंगे वैसे जी। सर अगर इंटरव्यू में किसी बात का जवाब ना आता हो तो हम क्या चुके जी कोशिश करें तुक्का ना लगाएं, अगर नहीं आता है तो सॉरी बोल दें, अगर तुक्का लगा लिया मसला नहीं है, उनको कहेंगे सर मैंने जो पढ़ा था या मेरे नॉलेज में शायद मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, वो कहता है इस तरह नहीं है, तो कहेंगे ठीक है सर शायद मैं भूल गया हूँ, यू आर राइट। बस कोशिश करें न्यूट्रल रहें, पॉजिटिव रहें, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। सर पंजाब से जो है सब इंस्पेक्टर की फीमेल की 2 सीट्स हैं वुमेन कोटा पे, जी जी, और बट आई हैव क्वालिफाइड फॉर द ओपन मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे अब उसके ओपन मेरिट के अगेंस्ट कंसिडर करेंगे या फीमेल की जो 2 सीट्स हैं उन्हीं पे ही फीमेल्स की मतलब 2 ही हायर होंगी और वो उन्हीं 2 सीट्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट होगी, पूरे कंपटीशन अगेंस्ट 2 सीट्स होगा या ओपन मेरिट पे भी? जी पहले तो आपका होगा ओपन मेरिट पे, अगर ओपन मेरिट आपकी सीट नहीं हो रही है फिर आपको जो प्रोविंशियल जो कोटा है उसमें ले आएंगे। वैसे आपकी अगर देख रहे यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो बनती है कि टॉप टू बॉटम बनती है, देखो आपकी अगर सपोज बनते हैं 65 फाइनल इंटर मिला के 70 बनते हैं, जो अगर आप प्रोविंशियल की बात करते हैं जो कोटा में है उसकी अगर 72 मतलब उसकी 70 के नीचे आ रही है तो लाजमन वो आपको प्रेफरेंस देंगे, आपको पहले उस पर ओपन मेरिट पे लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जा सकते तो फिर आपको प्रोविंशियल कोटा में लेकर जाएंगे। मींस के पहले ओपन मेरिट पे कंसीडर करेंगे उसके बाद वो वुमेन कोटा में प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर वहां नहीं फॉल कर रहे तो वहां पे फॉल कर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ओपन मेरिट में 70 उठा रहा है और एक सुबह कोटा में 65 उठा रहा है, तो 65 वाले को कैसे जाएंगे, वो तो जो 70 वाला है या 75 वाला है उसी को रखेंगे ना दुबई कोटा में, आपको दोनों में रखेंगे, पहले में वाले में आपको चॉइस देंगे, वहाँ पे नहीं बनती है तो फिर नीचे आपको मतलब सेलेक्ट कर देंगे, अगर बनती है अगर नहीं बनती है वो करेंगे। जी सर ये जो ना इंट्रोडक्शन के हिसाब से 2-3 कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही हमने अपनी हॉबीज भी बतानी है और एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, अपने सिटी के बारे में बताना है या जी, just... मैं बता देता हूं कि जी सर इस बारे में बताइए। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो दिया था वो सिंपल, कोशिश करें सिंपल रहें, टू द पॉइंट रहें। मैंने बताया कि भाई मतलब इंग्लिश में माय नेम इज दिस एंड आई हैव क्वालिफाइड मतलब आई हैव डन मास्टर जो भी है फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, उसके बाद मास्टर के बाद आप बीए किया है वो बता दें, इंटर किया है या इंटरमीडिएट तक की सारे बता दें, उसके बाद आप बता दें कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, आप में कोई खासियत है, डिप्लोमा है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री की है वो बता दें, ये चीज़ें हैं होती हैं। मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ शुरू में, माई नेम इज दिस, आई एम फ्राम दिस डिस्ट्रिक्ट फ्राम दिस प्रोविंस, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन के बाद कोई आप अच्छी चीज़ें हैं कोई डिग्री डिप्लोमा वो चीज़ें बता के बस वही कर दें, और ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। सर ये मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सर, तो इसमें वो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनिंग करेंगे या वो थोड़ा सा वैसे नॉर्मल क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई डिटेल में तो नहीं जाएंगे सर वो ज्यादा? नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना आपकी जो कंसर्न डिग्री है स्पेशली
लास्ट जो डिग्री है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि भाई आपने सपोज किसी ने क्रिमिनोलॉजी में किया होता है मास्टर, किसी ने किसी में, हम पूछेंगे भाई आपने इसमें वो किया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, जो चीजें उसको पढ़ लें, आपकी जो भी डिग्री है उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। सर ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चनिंग होंगे ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरी। नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा वैसे नहीं जाते भी नहीं है। हाँ कोई इस तरह कुछ एफआई की जो फील्ड है, जो आपकी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें डिटेल में जा सकते हैं कि भाई सब सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है, भाई सब इंस्पेक्टर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका पावर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका मतलब कि किस रैंक का है, मतलब ये चीजें पूछ सकती हैं। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड या वो ऐसे ही आपसे मैकेनिकल से क्वेश्चन कर लेंगे? कुछ जो होते हैं जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो तो वैसे ही पूछ लेते हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, कुछ यहाँ पे बीपीएस में लोग हैं वो कापी रखी होती है वहीं से पूछ रहे होते हैं, वो मोस्टली यहाँ कापी वाले क्वेश्चन वो होते हैं, नोटबुक वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, बाकी वैसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो तो करंट अफेयर के जो नए क्वेश्चन होते हैं वो आंसर भी लिख देते हैं साथ में कि यार ऐसे ना कि लाजम उनको वो भी इंसान है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको काफी से शायद पूछ लें, बाकी चीजें वैसे पूछ लेते हैं। सर ये पैनलिस्ट जो है ये पीपीएससी वाले ही होते हैं? नहीं नहीं एसपीएससी वाले पैनल जितना भी होगा, हमारे हमारे जो लोग थे चार थे, एक साइकेट्रिस्ट था, एक एडीजी का डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बहुत आया हुआ था, चार लोग थे इंटायर जो है वो एफआईए की ही एलीट पोस्ट पे जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ मतलब एफआईए के अपने मेंबर्स होते हैं, वेल कॉम्पिटेंट बंदे होते हैं, कोशिश करें और आपको देख रहे होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है दूसरा आपको जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपसे नोट करा होता है कि किस तरह बात करा, कोशिश करें अभी मतलब जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो मैं यहाँ बता नहीं सकता कि मतलब उस अंदाज में बैठे उनको लगे ना आप उस तरह मतलब हो जाए वेल रिलैक्स होके, हाथ को बार बार मूव ना करें, पाँव को मूव ना करें, मतलब जिस तरह वेल एक वो इंटरव्यू होता है बैठने का अंदाज उस हिसाब से बैठ जाए, रिलैक्स होकर बैठ जाए, कोशिश करें, ये चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। जी सर इस्लामिया से क्वेश्चनिंग होती है सर? नहीं नहीं होती है, वैसे भी याद रखें एफपीएससी में भी इस्लामिया से नहीं होती है, ये प्रांचल में हो सकती है लेकिन एफपीएससी में या एफआईए में इस्लामिया से क्वेश्चन इस तरह नहीं होते। हाँ अगर कोई इस तरह का मौलवी आ गया वैसे कोई पूछ लेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं उधर या उसको पढ़ने की, ऊपर मैंने पाँच चीज़ें बताई जी के करंट अफेयर एफआईए और कंसर्न डिग्री और कंसर्न जो आपकी जॉब है जो जिसमें आप एफआईए में जा रहे हैं उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। जी सर ये स्किल टेस्ट कब तक हो जाएगा? कौन सा सर ये जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह है जिन पोस्ट पे, ये सर कब तक कंडक्ट हो सकते हैं? मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है लेकिन ये जल्द कर लेंगे, विद इन 1-1.5 मंथ में कर देंगे क्योंकि इनको एक तो यहाँ पे स्टाफ की कमी है तो इसलिए ये जल्द कर देंगे, इस प्रोसेस को वाइंड अप जल्द कर देंगे। सर ये इंटरव्यू लेटर आता है या जस्ट मैसेजेस आते हैं या ईमेल? इंटरव्यू लेटर आता है, मैसेज भी शायद मैसेज भी आता है और इंटरव्यू लेटर आपको स्पेशली आएगा, कोशिश करें आप इनका ऑफिशियल जी घर जो आपने एड्रेस दिया होता है जो पोस्ट एड्रेस दिया था ना व्हेन यू वर मतलब अप्लाइंग और उसमें ऑनलाइन में आपने जो एड्रेस दिया था पोस्ट एड्रेस उसी पे आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके अलावा मतलब ये उसी पे मतलब ये आ जाएगा। और दूसरा ये कि आपका ट्विटर इनका अकाउंट है एफआई का अपना, उसको फॉलो कर दें, फॉलो करें, जो भी अपडेट होगी वो आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके अलावा गूगल में भी देख लिया करें इनका जो पेज है उधर भी अपडेट कर देते हैं कि भाई इंटरव्यू ये चीजें इसमें इस दिन को लिए जाएंगे, वो अपडेट रहे। जी सर आप अपना इंटरव्यू शेयर कर देंगे कुछ, जब आपका इंटरव्यू हुआ था कि आपसे क्वेश्चंस कौन कौन से मतलब किस किस फील्ड से हुए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इंटर में ज्योग्राफी था तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इंग्लिश में पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा बरियाज कौन सा है, मैंने बता दिया, फिर कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उसके बाद बड़ा ओशियन कौन सा है, बड़ा रिवर्स कौन सा है पाकिस्तान में, कौन सा बड़ा रिवर है, फिर इधर बलूचिस्तान के बारे में कुछ रिवर्स थे वो पूछे उन लोगों ने मुझसे, पाकिस्तान का एरिया पूछा, बलूचिस्तान का एरिया पूछा, उसके अलावा मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल में एरिया पूछा था, तो ये चीज़ें मैंने जियोग्राफी से पूछी थी मुझसे। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में आ जाए मुझसे पूछा था कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, और फ्रेंचाइज क्या है, वो एक टर्म है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट
दे नो वेरी वेल ये चीजें मुझसे मतलब पार्लियामेंट है पार्लियामेंट हो गया पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया किसी ने मुझसे पूछी थी उसके अलावा करंट अफेयर में उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में वो जो जंगलात में आग लगी हुई थी वो जो इशू था वो मुझसे पूछा था उसके बारे में पूछा था कि क्यों था वहाँ पे क्यों गर्मी है यहाँ पे सर्दी है क्योंकि मेरा जनवरी में हुआ था मेरे ख्याल में हाथी जनवरी में हुआ था इंटरव्यू तो मैंने कहा सर अपोजिट एक्चुअली मतलब वेदर सिस्टम है जब यहाँ पे सर्दी होती है तो वहाँ पे वो होता है तो इसी तरह मतलब करंट अफेयर में मुझसे मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे एक दो और क्वेश्चन पूछे थे फिर आ गए थे कि इधर एफ आई का करंट डी जी कौन है मैंने बताया डी जी स्टेट का क्या होता है एस एच स्टेट का क्या होता है एफ आई आर ये पूछा था एफ आई का एक कब बनाया गया था कब इम्प्लीमेंट किया गया था 13 जनवरी 1975 ये चीज़ें मुझसे मतलब पूछी थी उसकी मतलब यही इसी तरह ये और भी काफ़ी चीज़ें थी मतलब इसी चीज़ यही चीज़ आपसे पूछें मतलब मैं तो वैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आपसे पूछेंगे एक तो आपका डिग्री के मुताबिक करंट अफेयर जो आपके एफ आई के मुताबिक पूछेंगे जो आप जिस पोस्ट के लिए मुझसे भी पूछा था कि सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई किया है तो आप जानते हैं थोड़ा बताएं कि ये है क्या चीज़ फिर मैंने उसको बताया था उस टाइम आप तैयारी करके जाएँ सब इंस्पेक्टर क्या काम होता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता है उसमें क्या क्या पावर्स हैं तो ये सारी चीज़ें तैयार करके जाएँ मतलब ये चीज़ें पूछेंगे जी सर ये पीपीसी के ये 115 सेक्शन ये पढ़ के जाने पड़ेंगे नहीं नहीं जरूरत नहीं जस्ट आप तो ये पूछ सकते हैं कि पीपीसी के जो है वो कौन से सेक्शन कितने सेक्शन एफआईए में मतलब वो होते हैं एफआई में लागू होते हैं मतलब एफआई वहां से लेता है आप कहेंगे 115 है वो वहां पे लिखे हुए जाओ देख लेना और दूसरा के स्पेशल आज का पूछ सकते हैं आप कहें 36 है वो दूसरा ही मेंशन है बाकी ये नहीं पूछेंगे कि हाँ ये पूछेंगे एफआईआर जो है वो किस से पीपीसी की किस सेक्शन के तहत लॉज की जाती है काटी जाती है वो 154 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एफआईआर लॉज की जाती है चाहे पुलिस में हो चाहे एफआईए में हो एफआईआर के पूछ सकते हैं एफआईआर का मतलब क्या है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये जो बेसिक चीज़ें ये आपसे पूछेंगे इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो फिर आपको ट्रेनिंग करवाएंगे 7-8 माह की करवाएंगे जो सारे सब्जेक्ट आपको मतलब पढ़ाते हैं सर ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन कितनी होगी कोई भाई ये वेरी करता है ठीक है ना पैनल पे वेरी करता है आपको फर्दर मतलब कि वो करना चाहता है डेप्थ में जाना चाहता है तो आप आधा घंटा भी ले सकता है लेकिन मोस्टली 15 से 25 के दरमियान में लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि पता है उनको पता चल जाता है कि ये लड़का ये मतलब लड़का है ये लड़की इस पोस्ट के लिए डिजर्व कर रही है तो उसी हिसाब से चला रहे होते हैं कहीं पर उनको डाउट हो जाता है ना कि ये नहीं लग रहा है तो फिर उसको लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं कि इसको फर्दर वो एक्सप्लोर करें शायद ये मतलब हमारी जो मतलब ओपिनियन जो भी है मतलब जी जी सो मच सर ओके जी किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ लें सर ये एफआईए नैब और जो डिफरेंट फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो टेररिज्म को डील करते हैं जिसमें नेट है तो सर ये एफआईए क्या के साथ कोलैबोरेशन होता है या इनमें वो अगर फर्क पूछ लेता तो वो ये डाटा कहाँ से मिलेगा नैब को तो क्लस्टर से मिलेगा जी बिल्कुल इनका कोऑपरेट होता है ये आईबी वाले हैं आईएसआई वाले हैं एमआई वाले हैं सीटीडी है CIA है जितने भी हमारी एजेंसीज होती हैं जो काउंटर टेररिज्म पे काम कर रही होती हैं उनके साथ इनका कोऑपरेट होता है और FIA जो है ना ये आम केसेस को डील नहीं कर रही होती जिससे कत्ल का केस हो गया या इस तरह ये हाई प्रोफाइल केस जिस तरह मोहतरम बैनर्जी भुट्टो साहब का केस था या अजमल का साहब का था या जो बड़े जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनको ये डील करती है आम केसेस को ये डील नहीं करती हाँ अभी जैसे अभी चल रहे हैं केसेस वगैरह तो वहाँ पे ये कर रहे थे लेकिन वो भी पीछे रह के काम कर रही होती है हाँ हाई प्रोफाइल केस में फिर इसको आगे कर देते हैं किसी और पुलिस को किसी को दे देते जी सर काइंडली ये बता दें कि जो FATF है उसके हवाले से कोई सवाल करते हैं सर जी बिल्कुल करेंगे आपको मुझसे भी किया था ये अच्छा सर किया था तो आप लोग तैयार करके जाएं कितने इसके मतलब रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हैं कितने रहते हैं कब तक करेंगे इतने मेंबर्स हैं कब बनाई गई थी ये सारे मुझसे पूछे थे आप लोग भी सर ये चीजें सारी तैयार करके जाएं जितने भी करंट इश्यूज हैं मेजर वो भी आप पढ़ लें ठीक है ना करंट अफेयर वैसे मैंने आप लोग बता दिया
देखिए आप जितने मेजर इश्यूज हैं वो भी आप पढ़ लें, मतलब जैसे अभी पाकिस्तान में हाउस ट्रेडिंग का इशू चल रहा है या कोई और जो भी है, टेररिज्म है, ये चीजें पूछेंगे कि टेररिज्म क्यों है, क्या वजूहत हैं, सर पूछेंगे। जी सर, ऑब्जेक्टिव के बाद जो सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं उसमें उसके हिसाब से कुछ बता दें। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, मुझसे पूछा था कि मतलब कि पाकिस्तान का रकबा कितना है ओवरऑल, वो मैंने बताया था, मतलब आपका जो कंसर्न प्रोविंस है उसके बारे में पूछेंगे, उसका रकबा कितना है, ये चीजें पूछेंगे। तो ये कर सकते हैं कायदे आजम ने कब हलफ लिया था, ये चीजें पूछ सकते हैं, या फर्स्ट जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स कितने थे, अब जो है इसके कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं सेनेट के कितने मेंबर्स हैं, आपकी जो कंसर्न वो है प्रोविंस है उसके कितने मेंबर्स हैं, वुमेन के कितने कोटा है, माइनॉरिटीज के कितने मतलब कोटाज हैं, सीटें हैं, और जो आपके चीफ जस्टिस है उसका पूछ सकते हैं, आपके प्रेसिडेंट सर को पता है, गवर्नर हो गया, ये गवर्नर, ये सारी चीजें जो मेजर मेजर हैं ये आपसे टोकन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये यूएनए के बारे में पूछ सकते हैं कि उनका जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है जो भी है वो आपसे पूछेंगे कौन है, ये सर पूछ सकते हैं। जी सर, आफ्टर ऑब्जेक्टिव सर वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी होती है कोई, या डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना पड़ता है? ये जो मतलब एक स्केल से लेके 14 या 15 स्केल तक जो हैं पोस्टें उसमें डिस्क्रिप्ट का टेस्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ ये जो है एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्ट टाइप बेस्ड टेस्ट होता है, यही एक होता है, उसके बाद सिर्फ अगला जो प्रोसेस या स्टेज है वो इंटरव्यू का होता है। हाँ, अगर आप इंस्पेक्टर एफआई के लिए दे रहे हो एफपीएससी में, पहले आपसे एमसीक्यू या ये स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव वो आपसे लेंगे, वो क्वालिफाई करोगे देन आपको फिर डिस्क्रिप्ट के लिए बुलाएंगे, उसमें फिर 40 नंबर का ऐसे होता है, 20 नंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, फिर पाकिस्तान स्टडी का, फिर इस्लामिक स्टडीज का ये क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का मार्क्स, वो फिर डिस्क्रिप्ट होता है वहाँ पे इंस्पेक्टर मस्तिष्क अबव जितने भी लेंगे एफआई वाले उसमें डिस्क्रिप्ट होगा, बाकी में डिस्क्रिप्ट नहीं होता, जस्ट इंटरव्यू होता है। जी ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया, मुझे लगता है अभी कोई मजीद और क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच सर।